छिंदारी डैम दिखलाएंगे, उससे पहले यहाँ पर एक देवी मंदिर है जिसे नथला माता के नाम से जाना जाता है। सभी का हमारे चैनल में स्वागत है, मेरा नाम है हितेश कुमार। दोस्तों आज की वीडियो में मैं लेकर जाने वाला हूँ आपको छिंदारी डैम। दोस्तों यह जो छिंदारी डैम है वो राजनांदगांव जिला में है, राजनांदगांव जिला में है छुई खदान। तो छुई खदान से 8 किलोमीटर की दूरी पर है यह छिंदारी डैम और राजनांदगांव जिले का काफ़ी अच्छा एक टूरिस्ट प्लेस, एक पिकनिक स्पॉट है यह छिंदारी डैम। तो चलिए चलते हैं, आपको लेकर चलते हैं छिंदारी डैम। दोस्तों अभी हम लोग चढ़ रहे हैं जो छिंदारी डैम का एक घाटी है और पहुंच चुके हैं हम छिंदारी डैम। छिंदारी डैम आने के लिए बहुत घाटी वाला रास्ता बनाया गया है, तो इधर चलोगे तो थोड़ा सा घाटी जैसा लुक आपको लगेगा, बहुत सुंदर नज़ारा है इधर का। और ये इसका एरिया है, पूरा जंगली एरिया है। तो आगे अभी लेकर चलते हैं आपको छिंदारी डैम के तरफ। तो यहाँ पर आगे रास्ता बंद है, आगे जाने का परमिशन नहीं है बाइक वगैरह के लिए, और इधर पूरा पानी भरा हुआ है इस डैम में। और आगे का नज़ारा आपको मैं दिखलाता हूँ, ये आपको छिंदारी डैम दिखलाएंगे। उससे पहले यहाँ पर एक देवी मंदिर है जिसे नथला माता के नाम से जाना जाता है। तो आपको दिखलाते हैं, एक छोटा सा मंदिर बनाया गया है जहाँ पर नथला माता के नाम से इस देवी को पूजा जाता है। तो आपके सामने है दोस्तों, ये है नथला माता। जैसे कि दोस्तों आप छिंदारी डैम आओगे घूमने के लिए तो यहाँ पर पूजा पाठ के सामान मिल जाएंगे। और यहाँ पर जो मंदिर है नथला माता मंदिर, तो आते हो तो एक बार देवी का दर्शन कीजिए और उसके बाद आगे है जस्ट है छिंदारी डैम। तो काफ़ी शानदार लुक है और यहाँ आने पर आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग जगह है, आप आएंगे तो काफ़ी आपको मज़ा आएगा। ये यहाँ एक पिकनिक स्पॉट के साथ साथ यह बहुत सुंदर टूरिस्ट प्लेस भी है, तो छिंदारी डैम है। तो आगे चलते हैं, हेलो फ्रेंड, अभी हम लोग पहुंच चुके हैं छिंदारी डैम में और यहाँ का नज़ारा है बहुत ही खूबसूरत है और काफ़ी आकर्षक है दोस्तों, क्योंकि यह डैम है और पूरी तरह से पानी से भर चुका है, तो पूरी तरह से आपको पानी ही दिखाई देगा। और इधर जो नज़ारा है, जो इस तरह का लुक है, बहुत ही खूबसूरत इसको बनाया गया है। तो देख सकते हो छिंदारी डैम, और यहाँ पर छोटे छोटे आपको पहाड़ी दिखाई दे रहा है, और ये जो जगह है जहाँ पर आप जाके और भी अच्छा नज़ारा आप देख सकते हो, तो इस तरह का है दोस्तों। और कुछ कुछ और यहाँ पर जगह है इस छिंदारी डैम में, उसको मैं आपको दिखला, बैरियर है और यहीं आपको रोका जाएगा, इधर आगे बाइक नहीं ला पाओगे। और इधर का आप तो रास्ता देखो, बहुत सुंदर, यहीं से पानी उधर जा रहा है। देखो ये वाला एक इसका गेट है, तो यहाँ से पानी छोड़ा जाता है और यहाँ से जाते हैं नीचे, यहाँ से भी आप सीधा आ सकते हो। और ये वाला जो रास्ता दिखाई दे रहा है ना, तो यहाँ से बाइक ऊपर चढ़ता है और यहाँ तक आप पहुँचोगे, वहाँ से जाओगे तो घाटी का आपको नज़ारा देखने को मिलेगा और बहुत ही खूबसूरत छिंदारी डैम का नज़ारा। तो काफ़ी पानी है, आपको पानी ही पानी यहाँ पर देखने को मिलेगा, काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है इस छिंदारी डैम का। और यहाँ पर है ये जगह है जहाँ से लोग वहाँ पर जाते हैं, वहाँ से व्यू देखते हैं, व्यू पॉइंट है यहाँ का। यहाँ से खड़ा होकर आप पूरा छिंदारी डैम को आप बहुत ही सुंदर ढंग से आप देख पाओगे। तो आप छिंदारी डैम में आप रात को भी आ सकते हो, यहाँ पर लाइट वगैरह का सुविधा है, तो आप किसी भी टाइम आइए, आपको खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलेगा। आप इधर आकर पिकनिक मना सकते हो, घूम सकते हो, और इस तरह का है यह छिंदारी डैम।
जो छुई खदान एरिया है उधर तो बहुत ज़्यादा फेमस है यह छिंदारी डैम। बहुत दूर दूर से आते हैं यहाँ पर लोग इस छिंदारी डैम को देखने के लिए, और रियल में आकर यहाँ की खूबसूरती को देखकर लोग दंग रह जाते हैं। पूरा एरिया पूरा यहाँ पानी से अभी डूबा हुआ है क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हुआ था तो यहाँ का वाटर लेवल बढ़ गया था, तो अभी बहुत सारा एरिया भी डूबा हुआ है इधर का। तो यहाँ पर इस तरह का लाइट लगा हुआ है, वो भी सोलर पैनल वाला है, तो काफ़ी अच्छा सिस्टम दिया गया है, वो रात को ऑटोमेटिकली चालू हो जाता है और इस एरिया को और भी खूबसूरत बना देता है। तो छिंदारी डैम का नज़ारा आप लोगों ने सामने से देखा होगा, तो यहाँ से साइड से रास्ता है इसका जगह व्यू पॉइंट, तो अभी साइड से मैं जा रहा हूँ इधर देखने के लिए। काफ़ी पानी तो बहुत ज़्यादा है और पानी साफ नहीं है क्योंकि अलग अलग जगहों से भी बारिश का पानी आया हुआ है, तो अभी इकट्ठा है तो पानी एकदम गंदा है। और इधर साइड से कुछ नज़ारा आपको मैं दिखलाता हूँ। डैम जाने के लिए उधर ऊपर से रास्ता है और इधर से यहाँ पर लोग आकर इधर व्यू देखते हैं, और इधर साइड में आकर मैं इधर का नज़ारा देख रहा हूँ और बहुत ही गजब का नज़ारा है दोस्तों। और इधर बारिश के वजह से यहाँ का वाटर लेवल बढ़ गया था, तो यहाँ पर आते रहते हैं उस व्यू को देखने के लिए, तो बता रहे थे कि बहुत दूर दूर से यहाँ पर लोग इस नज़ारे को देखने के लिए आए थे, अभी भी आते हैं जब शाम के टाइम होता है तो बहुत भीड़ हो जाता है। तरफ दोस्तों आपको जो झूला वगैरह एक गार्डन आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर झूला बनाया गया है आने वाले लोगों के लिए, यहाँ पर घूम सकते हो, और कुछ कुछ झूला है जहाँ पर आप झूले का भी आनंद ले सकते हो। और इस तरफ है छिंदारी डैम जहाँ पर बहुत ही सुंदर नज़ारा आपको देखने को मिलता है। तो आज की वीडियो में हमने देखा छिंदारी डैम, और यह वीडियो आपको कैसा लगे हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं आपको नए वीडियो के साथ। थैंक यू।